अच्छा यह हमारे सर क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, ये कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, एक की बात कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज रिकग्नाइज एट कॉस्ट, सर बिल्कुल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड होती है सर, बाद में आप उसके लिए मॉडल अलग करेंगे जो अगली क्लासों में पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओनली इंक्लूड लैंड एंड बिल्डिंग, यस सर बाकी कोई नहीं आता। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज रिकग्नाइज व्हेन इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर 100% सर्टेन, नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज रिकग्नाइज व्हेन इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। देखें एक चीज होती है रिमोट, एक चीज होती है पॉसिबल, एक चीज होती है प्रोबेबल, एक चीज होती है वर्चुअली सर्टन, एक चीज होती है 100% सर्टन। इसके चांसेस होते हैं 100%, इसके चांसेस होते हैं अप टू 90%, ये होता है सर मोर देन 50%, सर ये है 5 से लेके 50% तक, सर ये है less than 5%। अगर मैं कहूं एक चीज रिमोट है इसका मतलब है इसके होने के चांसेस 5% से भी कम है, अगर मैं कहता हूं एक चीज पॉसिबल है तो इसके चांसेस 5 से लेके 50% तक, यानी 5% से लेके 50% तक चांस है कि इवेंट होगा। प्रोबेबल का मतलब है मोर देन 50% चांस है कि इवेंट होगा। वर्चुअली सर्टन ऑलमोस्ट 90% चांस है कि इवेंट होगा। सर्टन 100% चांस है कि काम होगा। स्टैंडर्ड कहता है एसेट को रिकॉर्ड करो व्हेन द इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल, यानी 50% से ज्यादा चांसों के इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा आप एसेट को रिकॉर्ड करके, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ओनली नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट, बिल्कुल सर इसका मतलब ओनली थर्ड स्टेटमेंट वॉज नॉट करेक्ट, तो हम पिक कर रहे हैं सर पॉइंट नंबर सी, सर यही है मेरे बच्चों, थैंक यू।